गुड एमसी फ्रेंड्स, मन्मथ कुमार साहू। दोस्तों, आज मैं आया हूँ आपको एक लीडरशिप और कुछ बेसिक आइडिया देने। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग मुझे बहुत सारे फ्रेंड, मेरे टीम के लोग, बहुत सारे आईएमसी एसोसिएट पर्सनली मेरे व्हाट्सएप में पूछ रहे हैं कि सर आईएमसी को क्यों करना है, कैसे करना है, तो इसके बारे में थोड़ा सा वीडियो बनाइए हिंदी में। तो मैं देख रहा हूँ मुझे बहुत सारे लोग हिंदी में पूछ रहे हैं दोस्तों, तो ऐसे ही मैं सोचा इसलिए कि इस वीडियो को हिंदी में बनाया जाए ताकि पूरा भारत के लोग इनका लाभ उठा सकते हैं। और ये जो मेरा वीडियो है, इस वीडियो में मैं एकदम सिंपल कॉमन सेंस वाली चीज़ एकदम नए लोग के लिए मैं बना रहा हूँ, जो लोग अभी अभी आईएमसी में ज्वाइन किए हैं और उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कैसे शुरू करूँ, कहाँ से शुरू करूँ, क्योंकि ये वीडियो में उन लोगों के लिए स्पेशली बना रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल को लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और आपको महसूस होगा करना चाहिए। दूसरा है कि इसमें ज़रूर आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं जैसे वीडियो बनाते जाऊँ आप लोगों को पहले मिल जाएगा, और बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो आइए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि हमारा जो टॉपिक है, ये क्यों और कैसे, मतलब हाउ और व्हाई। अगर हाउ और व्हाई को हम लोग बात करेंगे तो क्या लगता है आपको, आपको आईएमसी क्यों करना चाहिए, कोई समझा सकता है? नहीं समझा सकता। क्यों क्यों बहुत होता है दोस्तों। मैं जैसे कि कहीं पे जॉब कर रहा था और मैं क्यों आईएमसी में आया, क्योंकि मेरा विजन बहुत बड़ा था, मुझे कुछ ईएमआई ख़त्म करने थे, मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए था, मुझे पैसिव इनकम चाहिए था, ऐसा मेरा बहुत सारा क्यों है। तो आपका क्यों है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, आपने क्यों आईएमसी करना है। लेकिन इसमें जो मेन पार्ट है ये है हाउ। देखो दोस्त, हाउ जो है ना वेरी इजी है, बट आपका व्हाई क्लियर होना चाहिए। और हाउ जो है, बाय एलटीडी मेथड यू कैन गेट सक्सेस। एलटीडी मेथड जो होता है, एल से लर्न, टी से टीच, डी से डुप्लीकेट। जस्ट आपको सीखना है और सिखाना है, डुप्लीकेट करना है। तो लर्न, टीच और डुप्लीकेट, एलटीडी मेथड से आप कैसे कर सकते हैं, इसको लेकर मैं बहुत सा बेसिक, बहुत मतलब एकदम बच्चे के लिए बेसिक, जैसे आप अगर मान लो अभी अभी आईएमसी ज्वाइन किए हैं तो तुरंत के तुरंत आपको क्या करना चाहिए, इसके लिए मैं कुछ पॉइंट्स बनाया हूँ। जो पॉइंट्स है ये, जैसे कि मेरा 15 इम्पोर्टेंट पॉइंट टू लर्न हाउ, आपको समझ में आ जाएगा कैसे, आपको समझ में आ जाएगा लर्न और टीच और डुप्लीकेट, आपको तुरंत क्या सीखना चाहिए, क्या सिखाना चाहिए और क्या डुप्लीकेट तुरंत करना चाहिए अपना टीम में। तो आइए एक एक पॉइंट को हम लोग बात करेंगे। ये 15 पॉइंट बहुत बेसिक है दोस्तों, बहुत बेसिक है एकदम। मैं उन लोगों के लिए ये बना रहा हूँ जो अभी अभी डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन किए हैं या आईएमसी को ज्वाइन किए हैं, तो ये आपको करना ही पड़ेगा। ये 15 पॉइंट अगर आईएमसी में आप नहीं कर पा रहे हैं तो कोई भी काम नहीं हो सकता। तो ये इतना बेसिक चीज़ को मैं निकाला हूँ और शायद ऐसा बेसिक चीज़ कोई भी यूट्यूब में नहीं मिलेगा। तो आइए बात करते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट है, क्या आप आईएमसी बिजनेस प्लान शो कर पा रहे हो बाय राइटिंग। आप लिख के आईएमसी बिजनेस प्लान को दिखा पा रहे हो, चाहे वो अपना लैंग्वेज में ही हो, आप अगर बंगाली हो, आप अगर कन्नड़ा से है, आप अगर उड़िया से है, आप अगर महाराष्ट्र या गुजरात या कहीं हिंदी से है, तो कोई भी लैंग्वेज से है, आप अपना लैंग्वेज में क्या आईएमसी का बिजनेस प्लान को दिखा पा रहे हो, वो भी राइटिंग। अगर दिखा पा रहे हो तो हम लोग दूसरा पॉइंट को जाएंगे, अगर नहीं दिखा पा रहे हो तो पहले आपको ये सीखना पड़ेगा। ये हो गया आपका पहला पॉइंट दोस्तों। अभी अगर दूसरा पॉइंट देखेंगे, क्या आप डेमोंस्ट्रेशन शो कर पा रहे हो, है ना। डेमोंस्ट्रेशन अगर आप नहीं दिखा पाएंगे तो सामने वाला व्यक्ति को महसूस ही नहीं होगा सही में आयुर्वेद क्या करता है, है ना। जैसे आयुर्वेद डिटॉक्सिफिकेशन करता है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, और ये चीज़ अगर आप डेमो करके दिखाओगे ही नहीं तो उसको महसूस ही नहीं होगा। तो आपका दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको डेमोंस्ट्रेशन दिखाना होगा। क्या आप डेमोंस्ट्रेशन शो कर पा रहे हो, अगर कर पा रहे हो तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं कर पा रहे हो तो दूसरा ये पॉइंट को बहुत जल्दी से आपको सीखना पड़ेगा। आपको डेमोंस्ट्रेशन दिखाना आना चाहिए और प्लान भी दिखाना आना चाहिए। अभी बढ़ते हैं हम लोग तीसरा पॉइंट में, क्या आप वही पुरानी सवालों का जवाब तैयार रखे हो।
जैसे कि पुराने सवाल लोग पूछते हैं, है ना, जैसे कि प्रोडक्ट बहुत कॉस्टली है और टाइम नहीं है, पैसा नहीं है मेरे पास, पापा को पूछ के बताऊंगा, हस्बैंड को पूछ के बताऊंगी, है ना, टुमारो बोलता हूँ, कल बोलता हूँ, 2 दिन बाद बोलता हूँ, है ना, मुझे नेटवर्क मार्केटिंग इंटरेस्ट नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसा बहुत सारे सवाल। तो ये सारे सवाल तो मार्केट में आएंगे ही, तो क्या आप ये सारे सवाल का जवाब तैयार रखे हो, है ना दोस्त? तो रखना पड़ेगा। अगर नहीं रखे हो तो पहले ये सारे सवाल का जवाब आप ढूंढो, या फिर आप अपना अपलाइन के साथ बैठिए और पूछिए कि सर मुझे अगर कोई पूछेगा प्रोडक्ट महंगा है तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा, कोई बोलेगा मेरे पास टाइम नहीं है तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा। तो ये सारे सवाल का जवाब को आपको ढूंढना पड़ेगा और तैयारी करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बोल सकते हैं हम लोग ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। आपको ऑब्जेक्शन को हैंडल करना आना चाहिए, ये एक स्किल होता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट के बाद हम लोग चलते हैं चौथा पॉइंट में। क्या आपका प्रोस्पेक्ट ज्वाइन होने के लिए तैयार हो जाता है तो आप उनको ज्वाइन करने के लिए आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देख सकते हैं आप, एंड्रॉइड मोबाइल है नहीं है तो कैसे होगा, ज्वाइन कैसे करोगे आप? वो सामने वाला व्यक्ति समझ गया, उसको अच्छा लगा, वो बोलेंगे कि चलो मैं मेरा डॉक्यूमेंट दे देता हूँ, आप ज्वाइन कर लो, और आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल ही नहीं है, आप क्या करोगे, है ना, कल कल करूँगा, परसों करूँगा, घर जाने के बाद करूँगा, ऐसे बोलेंगे। हो सकता है वो घर जाते जाते, सामने वाला व्यक्ति घर जाते जाते माइंड चेंज हो जाए, है ना दोस्त? तो आपके पास हमेशा एक एंड्रॉयड मोबाइल होना चाहिए। और पांचवा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एंड्रॉयड मोबाइल में इंटरनेट यूज़ होना चाहिए, इंटरनेट यूज होना चाहिए। अगर आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल विद इंटरनेट है तो हो सकता है आप जिसको समझाए अगर वो राजी हो गए तो तुरंत आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ये पांचवा पॉइंट हो गया। छठवां पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या आप IMC एप्लीकेशन को समझे हो? IMC एप्लीकेशन में क्या क्या है, कहाँ पे क्या है, ये सारे चीज़ को आप समझे हो, ये बहुत बेसिक है फ्रेंड्स। तो क्या आप IMC एप्लीकेशन को समझे हो? अगर IMC एप्लीकेशन को आप समझेंगे नहीं तो कहाँ पे ज्वाइन करना है, कौन सा आइकन को लगाना है, कहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म आता है, ये सारे चीज़ आप कैसे समझा सकते हैं, ऐसे कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको IMC एप्लीकेशन को समझना पड़ेगा। और सातवां में देखेंगे, क्या आपको नॉलेज है IMC ज्वाइन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है? अभी सामने वाला बोलेगा मेरे पास तो पैन कार्ड है और कुछ है नहीं, तो आप कैसे करोगे, आपको पता ही नहीं, और आप बोलोगे हाँ हाँ हो जाएगा, मैं घर जाने के बाद कर दूंगा या कर दूंगी, फिर आप तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि IMC ज्वाइन करने के लिए एक एड्रेस प्रूफ ज़रूरत होता है, एक ID प्रूफ ज़रूरत होता है, एक फ़ोटो ज़रूरत होता है ना, ऐसे जो भी डॉक्यूमेंट है, ये सारे डॉक्यूमेंट, क्या क्या डॉक्यूमेंट है। अभी मान लो कोई बोलेगा मेरे पास आधार कार्ड नहीं है, तो आप क्या करोगे, फिर आप बोलोगे नहीं पहले आधार कार्ड बना लो फिर IMC में ज्वाइन करेंगे, तो आप कैसे करोगे? आपको अगर पता रहेगा कि ड्राइविंग लाइसेंस में भी ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे भी एड्रेस प्रूफ रहता है, है ना, ये सारे बेसिक चीज़ है। तो ये आपको अपडेट हो जाना है। तो ये था सातवां पॉइंट कि क्या आपको नॉलेज है IMC ज्वाइन करने के लिए क्या डॉक्यूमेंट का ज़रूरत पड़ता है, होता है। उसके बाद आठवां पॉइंट में जाएंगे, क्या आप डॉक्यूमेंट्स को मांगने के ट्रिक्स सीखे हो? देखो ये बहुत बड़ा पॉइंट है, ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अगर आप किसी को बोलोगे, आप मान लो सारे IMC के बारे में सिखा दिया, समझा दिया, और सामने वाला जो भी है पूछेगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो आप बोलोगे आपका बैंक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, बैंक पासबुक देना पड़ेगा या चेकबुक देना पड़ेगा, तो पहला सवाल आप लोगों को पूछता है कि नहीं पता नहीं, मुझे तो ऐसे बहुत रूरल एरिया में पूछते हैं, नहीं साहब मैं पासबुक नहीं दूंगा, मैं चेकबुक नहीं दूंगा, मेरा पैसा ले जाओगे, तो ऐसा बहुत सारे सवाल आएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग नेगेटिव पॉजिटिव दोनों को बात करेंगे तभी लीडरशिप क्वालिटी निकलेगा, है ना। जब खाली पॉजिटिव ही बात करेंगे तो नेगेटिव को तो आप फील्ड में लाना है, नेगेटिव तो आपको फील्ड से ही मिलेगा, और वही फील्ड से जो नेगेटिव मिलता है वही चीज़ को मैं अभी समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। तो क्या आप डॉक्यूमेंट्स को मांगने की ट्रिक से जानते हो? जैसे कि आप बोल सकते हो कि कुछ ऐसा नहीं है, जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए यहाँ पे आपका आधार कार्ड, एक फ़ोटो, पैन कार्ड दे सकते हैं, या फिर ज्वाइनिंग करने के लिए आप अपना एप्लीकेशन निकाल के उसी को ही मोबाइल दे दीजिए ताकि वो अपने आप डालता रहेगा और वो सीख भी जाएगा, उसके साथ साथ वो कुछ आपको बोलेगा भी नहीं, शायद पैन कार्ड आधार कार्ड अपने आप डालता जाएगा, है ना फ्रेंड्स। तो ये छोटे छोटे ट्रिक्स है लेकिन बेसिक है ना, ये आपको सीखना बहुत ज़रूरी है, तुरंत सीख लो। उसके बाद नौवां पॉइंट में जाएंगे,
क्या आप न्यू लोगों को खुद ज्वाइनिंग करा पाते हो? आप अगर खुद नहीं ज्वाइन करा पाओगे, उससे अगर मान लो डॉक्यूमेंट सारे चीज लेके आ गए, आप बोलोगे देखो मैं मेरा सीनियर को दे दूंगा और जो भी अपलाइन को, नहीं तो दे दूंगा, और वो जाके ज्वाइनिंग कर देगा, और आपने वो भी हाँ बोल दिया, अभी हम बोल दिए, और घर आने के बाद उसका फोन आएगा, नहीं मेरा हस्बैंड मना कर रहे हैं, फिर क्या होगा? है ना, अगर आप वहां पे ही लोहा गर्म है, तभी आपको जो रंग देना है, जो आकार देना है, दे देने का है। तो आप अगर वहां पे ही तुरंत ज्वाइन कर पाओगे तो बहुत अच्छा है, तो आपको तुरंत सीखना पड़ेगा। ये नौवां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत बेसिक दोस्त मैं बोल रहा हूँ आपको। उसके बाद 10वां पॉइंट में जाएंगे, क्या आप डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर पाते हो? बहुत सारे लोग ज्वाइनिंग तो कर देते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करना है? आप जो टाइपिंग करके जो डॉक्यूमेंट को लिखा, वो सारी चीज़ आपको कंपनी को सबमिट करना है कि आपने सही चीज़ लिखा। तो क्या आप डॉक्यूमेंट को अपलोड करना सीखे हो? आपको पता है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर आप अपलोड नहीं करोगे तो केवाईसी क्लियर नहीं होगा, जो नो योर कस्टमर जो वेरिफिकेशन होता है वो होगा ही नहीं, फिर सामने वाला बंदा बोलेगा मुझे पैसा आया नहीं, है ना, जो भी सवाल तो आएंगे ही। इसलिए आपको ये भी सीखना बहुत ज़रूरी है, कंप्लीट एप्लीकेशन को, है ना, कैसे ज्वाइनिंग करना है, कैसे अपलोड करना है, ये सारे चीज़। 11वें पॉइंट में जाएंगे, क्या आप केवाईसी वेरीफाई करा पाते हो? अगर मान लो किसी का आपने सारे चीज़ डॉक्यूमेंट वगैरह सब अपलोड कर दिया और किसी भी कारण उसका केवाईसी वेरीफाई नहीं हुआ, वैसे तो आईएमसी में अभी केवाईसी वेरीफाई अपने आप हो ही जाता है, पहले तो हम लोगों को करना पड़ता था, अभी जैसे अपने आप हो जाता है, लेकिन फिर भी मान लो कोई एक चीज़ ही रिजेक्ट हो गया और वो बंदा को पता ही नहीं, और उसका तो पैसा आना है, अभी आया भी नहीं, और सामने वाला सोचेगा कि मुझे पैसा आता नहीं है, आया नहीं है, तो आईएमसी में शायद पैसा नहीं आ रहा है, ऐसे सोच सकता है वो, हो सकता है। तो क्या आप केवाईसी वेरीफाई करा पाते हो? या फिर कोई डॉक्यूमेंट अगर रिजेक्ट हो जाता है तो आप उसको री अपलोड कर पाते हो? ये बहुत जरूरी है और बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये सारे बेसिक है, आपको कैसे करना है ना, पहले यही करना है, पहले यही सीखना है ना। तो 11वां पॉइंट ये था। उसके बाद 12वां में, क्या आप बैंक इंफॉर्मेशन जो न्यू ज्वाइंट पर्सन है, कभी कभी होता है आप ट्रैवलिंग में हो, आप कहीं पे हो, उसके पास बैंक डॉक्यूमेंट्स नहीं है और आप उसको ज्वाइनिंग कर लिए और उसके बाद वो घर जाने के बाद आपको बैंक डॉक्यूमेंट्स दे दिया कि बोला भाई लो मेरा ये बैंक डॉक्यूमेंट्स है, आप इसको अपलोड करो, और आप कर पाओगे? तो ये सीखना पड़ेगा, है ना। तो ये कि क्या आप बैंक इंफॉर्मेशन जो न्यू ज्वाइंट पर्सन है वो अगर बाद में देते हैं तो उसको अपलोड कर पाते हो क्या? और खाली आप अपलोड करोगे तो भी केवाईसी क्लियर नहीं होगा, उसका बैंक वेरिफिकेशन नहीं होगा, अगर आपने ऐसे बैंक जहाँ पे अपलोड करना कर रहेगा ना वहाँ पे अगर करोगे तो नहीं होगा, वहाँ पे आपको फिर अपडेटेशन में जाके उसका पूरा एडिट करके सब लिखना भी पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको सीखना पड़ेगा, है ना। पूरा एप्लीकेशन को आप जितना रट्टा मार लोगे, जितना लोगों को ज्वाइन करोगे, उतना एक्सपीरियंस आएगा। तो ये 12वां बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर कोई भी चीज़ रिजेक्ट हो जाता है तो आप उसको रीअपलोड कर पाते हो क्या, कैसे डिलीट करना है पुराना जो डॉक्यूमेंट है, और ये पहले आपको सीखना है ताकि आप अपना डाउनलाइन को सिखा पाओगे। ये 12वां पॉइंट था। 13वां पॉइंट में जाएंगे हम लोग, क्या आपको ओवरऑली आईएमसी एप्लीकेशन के बारे में जानकारी है? कैसे स्टोर लोकेशन देखना है, कैसे आपका पे वाइड चेक पे आउट जो है चेक करना है, कैसे आपका डाउनलाइन में कौन परचेज किया चेक करना है, ओवरऑली पूरा आईएमसी का एप्लीकेशन को पूरा ओवरऑली आपको बहुत जानकारी होना चाहिए। आपको जितना जानकारी रहेगा उतना आप अपने डाउनलाइन को सिखा पाओगे। तो ये 13वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बेसिक में बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, हाउ कैसे आईएमसी करना है, अगर आपको कैसे का सवाल चाहिए तो मेरा हिसाब से ये है कैसा, ऐसा होना चाहिए पहले पहले, उसके बाद आगे तो बहुत कुछ है लेकिन ये सारे बेसिक है। 14वां पॉइंट में, 14वें पॉइंट में जाएंगे, क्या आप डेली मिनिमम 1 प्लान शो करके ही घर पे जाते हो? एक ही मिनिमम, मैं 2 नहीं बोल रहा हूँ, 3 नहीं बोल रहा, 5 नहीं बोल रहा, हमारा सिस्टम तो ऐसे बोल रहे हैं 5, है ना, सुबह 9 से रात को 11 बजे तक, मुझे उतना सारा पता नहीं, लेकिन अगर आपने एक भी बिजनेस प्लान आज दिखाया नहीं तो आप घर ही मत जाओ, जाना ही नहीं चाहिए। और ये सारे जिद्दीपन लाना है आपको, अगर दुनिया में लाइफ में कुछ बदलाव करना है तो ये मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको डेली एक बिजनेस प्लान मिनिमम दिखाना है और तभी घर जाना है। तो ये अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो इसका बदलाव करिए, बदलना है इसको आपको। तो ये था 14वां पॉइंट, और आखिरी जो 15
ये और हो सकता है, लेकिन मेरा हिसाब से 15 पॉइंट, क्या आप मिनिमम 72 घंटा के बाद एक बार भी अपना एक्टिव अपलाइन को कॉल करके रिपोर्टिंग करते हो? मैं 72 घंटा इसलिए दिया, शायद आप थोड़ा बिजी है, आज नहीं कॉल कर पाया, कल बिजी है कॉल नहीं कर पाया, परसों भी बिजी हो गए, आप कॉल भी नहीं कर पा रहे हो, लेकिन परसों एनी हाउ एनी टाइम कम से कम एक कॉल तो करो। अगर अपलाइन फ़ोन नहीं उठाएं, उनको तो ये लगेगा कि फलाना व्यक्ति का, फलाना एसोसिएट का, वो मेरा लीडर का फ़ोन आया था, वो अपने आप से वो फ़ोन करेंगे, है ना। तो ये दोस्त था 15 पॉइंट जो बहुत बेसिक है और बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जब तक आप अपना टीम में डुप्लीकेशन नहीं कराओगे तब तक कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। चाहे आप कितना भी ट्रेनिंग ले लो, कितना भी लीडरशिप का प्रोग्राम ले लो, कुछ भी कर लो, ये 15 पॉइंट आपको बेसिक है, ये बेसिक को अटेंड किया जा सकता है, सीखा जा सकता है, और मज़े के बात ये है कि ये 15 पॉइंट सीखा जा सकता है ना। और सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑल दीज पॉइंट्स कैन लर्नेबल बाय हमारा जैसे IMC सिस्टम में, जो इंस्पायरिंग वर्ल्ड का सिस्टम में 3 ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग सेशन है, जो ट्रेनिंग सेशन को हम लोग बोलते हैं PTS, LTS और IBM। PTS होता है प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेमिनार, जिसको प्रोडक्ट के बारे में सिखा सकते हैं आप, सीख सकते हैं, या फिर डेमोन्स्ट्रेशन आप सीख सकते हैं। उसके बाद होता है LTS, लीडरशिप ट्रेनिंग सेमिनार, जैसे आप ऑब्जेक्शन हैंडल करना, सामने कैसे बात करना, ये सब लीडरशिप क्वालिटी, क्योंकि आपका कल को जाके थोड़ा टीम बन जाएगा, 20-25-50 आदमी बन जाएंगे, लीडरशिप क्वालिटी भी सीखना पड़ेगा ताकि आप अपने टीम को संभाल सकते हैं। और उसमें उसके बाद IBM, जो IMC बिजनेस मीट, यहाँ पे जितना नया लोगों को ले सकते हैं लेके जाइए, ताकि ये लोग को दिखेगा IMC क्या है ये, और ये बेसिक जो ट्रेनिंग सेशन होता है IBM, IMC बिजनेस मीट। और ये तीनों के साथ साथ आप अपने अपलाइन के साथ रहिए, अपलाइन को पूछते रहिए, आप अपलाइन से जितना सवाल करेंगे उतना आपको जवाब मिलेगा, जितना सीखना चाहेंगे उतना आप सीख सकते हैं। तो ये था बेसिक हाउ कैसे करना है IMC को, मेरा हिसाब से ये बेसिक से ही शुरू करिए। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये सारे चीज़ होने के लिए ऑल दोज हु हैव अचीव्ड फाइनेंशियल सक्सेस एंड फ्रीडम हैव टोटल क्लैरिटी, आपके अंदर अगर ये सारे चीज़ को लेकर पूरा क्लैरिटी है, आपको IMC से क्या चाहिए अगर क्लैरिटी है, तो आपको ये सारे चीज़ मिलेगा। और क्लैरिटी ये भी होना चाहिए आपका पास्ट में क्या था और आपका अभी क्या है तो पता ही है, आपका फ्यूचर में क्या चाहिए, ये सारे क्लैरिटी होना चाहिए। और ये सारे क्लैरिटी, लेट्स शॉर्टली नो अबाउट डायरेक्ट सेलिंग, ये सारे क्लैरिटी तभी आएगा जब भी आप जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हो वो इंडस्ट्री है क्या, जब उस है क्या को समझ में आ जाएगा तब ये सारे क्लैरिटी आ जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग मुझे पसंद नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग उल्लू बनाने वाला काम होता है, ऐसा बहुत सारे सवाल करते हैं, ये आप शायद मुझसे बेहतर आप लोग भी जानते हो। तो दोस्तों मैं ये चीज़ थोड़ा सा आपको बेसिक बता दूं, एक्चुअली डायरेक्ट सेलिंग है क्या, और ये डायरेक्ट सेलिंग के बारे में अगर हम लोग बेसिक नहीं सीखेंगे समझेंगे, और डायरेक्ट सेलिंग में कितना स्कोप है, हम इंडियंस को, हम भारतीय लोगों को कितना स्कोप है, भारतीय लोगों को, इंडियन लोगों को डायरेक्ट सेलिंग में जितना स्कोप है, आपको मैं अभी आंकड़ा दिखाने वाला हूँ, आप हैरान हो जाओगे। तो आइए बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा, पहले सीख लेते हैं डायरेक्ट सेलिंग है क्या। डायरेक्ट जो सेलिंग है, ये डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग का मैं एक बना के रखा हूँ, आप देख सकते हैं। जैसे कि ट्रेडिशनल और डायरेक्ट में क्या होता है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग से डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से कंज्यूमर, इसी चैनल के माध्यम से आता है, और इस माध्यम को सपोर्ट करते हैं मीडिया या फिर एडवर्टाइज, न्यूज़पेपर, जो भी है, ये लोग सपोर्ट करते हैं, और ये सपोर्ट करके जो प्रॉफिट मार्जिन होता है ये मिडिल लोगों को दे दिया जाता है। अगर नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग को देखा जाएगा, अगर IMC का देखा जाएगा, तो सीधा IMC क्या करता है, डायरेक्ट वो कंज्यूमर के पास पहुँचा देता है, और वो खुद का अपना जैसे आउटलेट, तहसील, डिस्ट्रीब्यूटर बना के रखा है।
तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट मिल जाएगा। और जो जो मिडिल मैन लोग लेते थे प्रॉफिट, ये सारे प्रॉफिट हम लोगों को बांट दिया जाता है, ये होता है डायरेक्ट सेलिंग। और यहाँ पे माउथ पब्लिसिटी में ही सेल्स बढ़ता है, जितने लोगों को हम मिलेंगे, जितने लोगों को ये प्रोडक्ट के गुणवत्ता के बारे में हम बताएंगे, उतना हमारा सेल्स बढ़ेगा, उसी हिसाब से हमारा इंसेंटिव कमीशन मिलेगा। इसमें है तो बहुत सारे कमीशंस, तो बिजनेस प्लान को मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा आपको बेसिक दे रहा हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग और ट्रेडिशनल सेलिंग में क्या डिफरेंट है। और उसके बाद आगे बढ़ते, अगर IMC क्यों करना है, जैसे मैं पहले बताया कि मेरा जैसे EMI वगैरह, हाउस लोन है, और ये सारे को मुझे ख़त्म करना है, फाइनेंशियल फ्रीडम को ख़त्म करना है, इसके लिए मैं IMC को आया था। तो IMC का जो मेन मिशन है टू मेक पीपल हेल्दी, लोगों को स्वस्थ बनाना है, टू मेक पीपल वेल्दी, लोगों को अमीर बनाना है। लेकिन ये आपका भी सोच हो सकता है, आपका भी वाई यहाँ पे हो सकता है कि आपको भी हेल्दी बनना है, आपको भी पैसे वाला बनना चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम होना चाहिए, पीस ऑफ माइंड आना चाहिए, आपका मस्तिष्क शांत होना चाहिए, पैसा रहेगा, स्वस्थ रहेगा तो दिमाग अपने आप स्थिर हो जाएगा, बिल्ड सिक्योर फ्यूचर, आपका एक ऐसा फ्यूचर बनाना चाहिए जो सिक्योर हो, उसके बाद इम्प्रूव्ड लाइफस्टाइल होना चाहिए, फैमिली हॉलीडे जाने के लिए सब लोग चाहते हैं लेकिन जा नहीं पाते हैं, घिसा पिटा जिंदगी जो होते हैं, है ना, सुबह जाओ शाम को वापस आओ ड्यूटी से, फिर अपना लाइफ में बिजी, शाम को थोड़ा फैमिली को टाइम, फिर सुबह वही बात, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके आपका रिकॉग्नाइजेशन अचीवमेंट होता है। जैसे मैं जॉब करता था 13 साल में, मुझे आज तक रिकॉग्नाइजेशन नहीं हुआ था, और कोई अचीवमेंट के लिए कोई शाबाशी कोई कुछ नहीं था, लेकिन यहाँ पे IMC में आके 2.5 साल से मुझे बहुत सारे रिकॉग्नाइजेशन मिल रहा है, बहुत सारा स्टेज में स्टेज प्लेस मिल रहा है, तो ये सारे रिकॉग्नाइजेशन भी अचीवमेंट भी मिलेगा। और उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पैसिव इनकम, इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाया जा सकता है दोस्तों, क्योंकि दुनिया में दो ही इनकम होता है, एक है एक्टिव पैसा, काम करने के बाद आएगा, समय देने के बाद आएगा, दूसरा वही पैसा एक बार समय दे दिए उसके बाद धीरे धीरे करके वो अपने आप आता रहेगा। तो एक्टिव और पैसिव इनकम, IMC में आपको पैसिव इनकम हो सकता है, शुरुआत में आपको तो एक्टिव से ही पैसा आएगा, लेकिन एक ऐसा टाइम आ जाएगा उसके बाद आपको अपने आप पैसिव इनकम आ जाएगा, और ऐसा बहुत सारा वाई हो सकता है आपका। अगर थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि ये सारे चीज़ तभी हो सकता है जब आपका एक सपना हो, जब आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक सपना, और इसको गोल बोल सकते हैं, इसको बर्निंग डिजायर बोल सकते हैं, और ये हो सकता है अगर आपका सपना, जैसे अगर सपना को हम कैटेगराइज करेंगे तो ऐसे ये आपका पर्सनल ड्रीम हो सकता है, प्रोफेशनल ड्रीम हो सकता है, सोशल ड्रीम हो सकता है, एजुकेशनल ड्रीम हो सकता है, फिजिकल ड्रीम हो सकता है, लेकिन ये सारे सपने को अगर मैं डिवाइड करूँ तो दो ही पार्ट में, पहला पार्ट है व्हाट आई वांट, मतलब आपको क्या चाहिए, और दूसरा इसको हासिल करने के लिए आप क्या दे सकते हो, है ना, जैसे कि व्हाट आई प्राइस आई एम रेडी टू पे, है ना, आपको क्या चाहिए और उसको हासिल करने के लिए आप क्या पे करने के लिए तैयार हो। पैसा यहाँ पे नहीं बोल रहा हूँ मैं, पे का मतलब पैसा नहीं होता है, पे का मतलब आपका समय हो गया, आप क्या सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार, क्या पे करने के लिए तैयार हो। और जो व्यक्ति कुछ ना कुछ हासिल करने के लिए, कुछ ना कुछ अगर पे करने के लिए तैयार है दोस्तों, एक भी आदमी आज तक फेल नहीं हुआ, एक भी आदमी कोई भी फील्ड से आप ले लो, वो उसका टारगेट बन गया, उसका सपना है, उसका टारगेट हो गया, उसको पाने के लिए अगर कुछ वो पे करने के लिए तैयार है तो उसका दुनिया का कोई भी ताकत पे, मतलब उसको हासिल करने से नहीं रोक सकता। तो ये आपका ड्रीम होना चाहिए, आपका कितना अच्छा ड्रीम है, कितना स्ट्रॉन्ग ड्रीम है, उसका वो आपके ऊपर ही निर्भर करता है। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। उसके बाद अगर हम लोग डायरेक्ट सेलिंग को समझेंगे, जैसे कि डायरेक्ट सेलिंग, जैसे कि USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिकन में जो अगर पॉपुलेशन के बारे में देखेंगे तो यहाँ पे 32 करोड़ पॉपुलेशन है, और इसका जो टर्नओवर है करीब करीब आप देख सकते हैं कि 212550, है ना, आप सोच लो 212,550 करोड़ का टर्नओवर है 32,000 करोड़ का आबादी में USA में। और ये सारे जो टर्नओवर है डायरेक्ट सेलिंग का, यहाँ पे ट्रेडिशनल सेलिंग भी होता है लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में ये उसका टर्नओवर है। अगर इसके मुकाबले हम दूसरा एक कंट्री को जाएं, चाइना, जो कि भारत
दूसरा में आता है और पहला आबादी में चाइना ही आता है। अबाउट चाइना पॉपुलेशन इज 140 करोड़, 140 करोड़ आबादी है, और वहाँ पे अगर देखा जाएगा तो 1,77,450 करोड़ का बिजनेस होता है डायरेक्ट सेलिंग में। अगर ये दोनों को कंपैरिजन करेंगे आप देख सकते हैं अबाउट चाइना और अबाउट यूएसए, तो 32 करोड़ पॉपुलेशन में 2,12,550 और यहाँ पे 140 करोड़ में पॉपुलेशन में 1,77,450 करोड़ का बिजनेस हो रहा है। फर्क दिख रहा है। और ऐसा भी चाइना तो अभी 5 साल पहले ही आया डायरेक्ट सेलिंग में, इससे पहले उस देश में बैन था, डायरेक्ट सेलिंग को नहीं समझ में आ रहा था, वो लोग सोच रहे थे आप हम लोग जैसे अभी सोच रहे हैं, वो लोग भी ऐसे ही सोच रहे थे, वहाँ पे बैन था, लेकिन जैसे डायरेक्ट सेलिंग का स्ट्रेंथ को समझ लिया उसके बाद उसने डायरेक्ट सेलिंग में काम करना शुरू किया और देखो आज ये पूरा विश्व में सेकेंड में है। तो इसके बाद धीरे धीरे आगे और बढ़ेंगे। अगर देखेंगे हम लोग जापान, बोला जाता है जापान दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है जहां पर डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर होता है, मतलब कि टर्नओवर के हिसाब से जापान दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा है और पॉपुलेशन आप देख लो 12 करोड़ पॉपुलेशन है और इसका टर्नओवर क्या है आप देख लो 1,16,350 करोड़। सबसे बुद्धिमान देश है ना, और हम लोग अपने आप को समझते हैं मुझे सब पता है ना, ये उल्लू बनाने वाला मुझे सब पता है, ये मैं तो बहुत करके आया हूँ, ऐसा बहुत सारे ना जाने क्या क्या पता नहीं, छोड़ दो, लेकिन बहुत सारे। और ये है बुद्धिमान देश है ना, 12 करोड़ का आबादी में 1,16,350 करोड़ का टर्नओवर दे देते हैं डायरेक्ट सेलिंग में। और इसके बाद अगर जाएंगे कोरिया को, कोरिया का पॉपुलेशन आप देख लो दोस्त, देख लो 5 करोड़ ओनली, और यहाँ पे टर्नओवर जो है 94,250 करोड़। कोरिया बहुत छोटा देश है ना, ऐसा ऐसा देश हमारे एक एक स्टेट में घुस जाएंगे है ना, देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग जाएंगे ब्राजील, ब्राजील में जैसे कि 20 करोड़ का टर्नओवर है, 20 करोड़ का पॉपुलेशन है और यहाँ पे 92,300 करोड़ का टर्नओवर है, आप सोचो है ना, ये सारे जो विकसित देश है, जो इम्प्रूव्ड हो चुका है ये देश। और इसके बारे में आगे जाएंगे, जर्मनी बहुत डेवलप्ड कंट्री है, ये कंट्री का पॉपुलेशन हो गया 8 करोड़ और यहाँ पे बिजनेस का जो टर्नओवर हो रहा है 55,250 करोड़ जर्मनी है ना। आप सोचो ना, आप सोचो, भारत द्वितीय है, सेकेंड है ना आबादी, आएगा आगे जाके आएगा। अगर हम फिर देखेंगे मेक्सिको का जो जनसंख्या है 12 करोड़ और यहाँ पे 52,650 करोड़ का टर्नओवर है ना मेक्सिको। उसके बाद हम जाएंगे फ्रांस में, फ्रांस में होता है 6 करोड़ का आबादी, 6 करोड़ आबादी है और यहाँ पे जो हो रहा है 34,450 करोड़ का टर्नओवर है। और ऐसे ही अगर मलेशिया, कोई भी डायरेक्ट सेलिंग देखो मलेशिया में घूमने के लिए भेजता है, कोई भी डायरेक्ट सेलिंग एक ख्वाब रहता है, एक सपना रहता है, मलेशिया जाओ घूम के आओ देखो, क्यों, क्योंकि मलेशिया में 3 ही करोड़ आबादी है मलेशिया में है ना पॉपुलेशन, और यहाँ का टर्नओवर आप देखो दोस्त है ना 30,550 करोड़ मलेशिया है ना, 3 करोड़ का आबादी में अगर 30,550 करोड़ टर्नओवर हो जाता है डायरेक्ट सेलिंग में। आगे बढ़ते हैं, अगर हम लोग भारत को देखेंगे है ना, ये हमारा देश है, यहाँ पे दोस्तों सब कुछ है, सब कुछ है, जो हम लोग बोलते हैं जैसे भारतीय लोग, जो भारत में नहीं है वो कहाँ पे नहीं है, लेकिन यहाँ पे दुख के साथ मैं बोल रहा हूँ एक चीज़ तो भारत में नहीं है, वो है हमारा मेंटालिटी, अभी तक वो मेंटालिटी चेंज नहीं हुआ सेल्स को लेकर, डायरेक्ट सेलिंग को लेकर। हम लोग वही सोचते आए हैं जो हमारा कोई दूसरा कंपनी में कोई काम किया था, किसी का पैसा डूब गया, जो मनी सर्कुलेशन में आते थे, जो चेन सिस्टम में आते थे, उनका पैसा डूब गया और वो लोग जो सिखा दिया हम लोग वही सीख के बैठे हैं, हमको सब पता है ना। तो आगे बढ़ते हैं, भारत का अगर देखा जाएगा तो ये अगर डायरेक्ट सेलिंग ग्लोबली टर्नओवर अराउंड द वर्ल्ड अगर देखेंगे, जैसे कि यूएसए का मैं बताया, चाइना का बताया, जापान का बताया, कोरिया का बताया, ब्राज़ील हो गया, जर्मनी हो गया, मेक्सिको हो गया, फ्रांस हो गया, मलेशिया हो गया, अगर इंडिया का देखा जाएगा तो ये इंडिया का जो पॉपुलेशन है 132 करोड़ और यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग में जो टर्नओवर है मुझे सब पता है वाला टर्नओवर है ना 7,800 करोड़ का टर्नओवर है और हम लोग अभी कहाँ पे है ना। तो ये अगर देखेंगे ओनली 7,800 करोड़ का टर्नओवर है, मतलब आप समझो डायरेक्ट सेलिंग में रॉ मटेरियल क्या है, लोग, और विश्व का सबसे ज्यादा लोग कहाँ पे है, पहला तो चाइना हो गया, चाइना तो अपना टर्नओवर कर ही रहा है, दूसरा आ गया भारत, भारत में क्या टर्नओवर है,
अगर इतना सारा आबादी होने के बावजूद 7,800 करोड़ का टर्नओवर हम दे रहे हैं, तो हमारे लिए डायरेक्ट सेलिंग को लेकर कितना बड़ा स्कोप है समझो। और मुझे ये पक्का यकीन है कि अभी तक लोगों को ये समझ में नहीं आया ये डायरेक्ट सेलिंग है क्या, अभी तक वही समझ के बैठे हैं। दोस्त सिंपल बेसिक है, डायरेक्ट सेल करने को बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। यहाँ पे पैसे का बात ही नहीं आ रहा है, यहाँ पे चेन सिस्टम का बात ही नहीं आ रहा है। वैसे हम लोग चेन सिस्टम तो हमारा दादा नाना परदादा परनाना सब करते ही आए हैं, उसी चेन सिस्टम ही तो है हम लोग, और इसी चीज को हम लोग अभी भी कर रहे हैं। जैसे कि कोई अच्छा डॉक्टर का नाम बोल रहे हैं, अच्छा मिठाई दुकान का नाम बोल रहे हैं, अच्छा मोबाइल का नाम बोल रहे हैं, अच्छा सिम का नाम बोल रहे हैं, है ना, अच्छा ट्यूशन टीचर का नाम बोल रहे हैं, अच्छा, बहुत सारे अच्छे 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 लोगों का नाम, तो सबको फ्री में हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर ही रहे हैं। तो क्यों ना अभी सही में डायरेक्ट सेलिंग को समझे, क्यों ना हम लोग अभी सही में नेटवर्क मार्केटिंग करें। तो दोस्तों जैसे कि हम लोग अभी देखें कि जो अभी हमारे स्कोप है ये भारत में बहुत बड़ा स्कोप है। तो दोस्तों इसके साथ मेरा जो इन्फॉर्मेशन है ये क्यों और कैसे वाला जो आप सुलझ रहे थे, इसको थोड़ा सा शायद मैं क्लियर कर पाया। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरा कि आप लोगों को जो भी कमेंट देना है मुझे पर्सनल व्हाट्सएप में ना भेजें, आप इस यूट्यूब में ही कमेंट दें, और यहाँ पे आपको और कैसा वीडियो चाहिए डिटेल्स में लिखे, ताकि मैं और कौन सा लैंग्वेज में, उड़िया या हिंदी या इंग्लिश, ये तीनों में से कोई भी एक लिखे, ताकि मैं आपको उसी लैंग्वेज में समझा सकूं। और दोस्तों थैंक यू, गुड एमसी। आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर इसमें लिखना, अगर आपका कुछ रिक्वायरमेंट रहेगा तो लिखना ही ज़रूर, लेकिन ये वीडियो कैसा रहा ये ज़रूर लिखना। और कोई भी व्यक्ति आपके टीम में अगर कोई भी ज्वाइन होते हैं तो पहले उनको ये वीडियो भेजिए, ताकि ये जो 15 पॉइंट को लेके वो कुछ सवाल कर सकते हैं, या फिर इस 15 पॉइंट का हिसाब से वो तैयारी कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आज का वीडियो इतना था, और मैं मन्मथ कुमार साहू महाराष्ट्र मुंबई बोईसर से ये वीडियो शूट हो रहा है। तो दोस्तों फिर मिलेंगे और एक नया टॉपिक के साथ। थैंक यू, गुड एमसी।